आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी का नाम क्या है। तो आज हम बना रहे हैं मसाला ओट्स। मसाला ओट्स बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस भी करता है, हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए हम मसाला ओट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने कुछ वेजिटेबल्स दिया है, इसमें कैबेज है, यहाँ पे कैरेट लिए हैं, टोमेटोज दिए हैं, इसमें थोड़े से हेल्पफुल देखिए हल्दी हमने मसाले लिया है, अदरक है इसको हमने कद्दूकस कर लिया देखिए, और ये लहसुन है 7 से 8 कलियाँ लहसुन है, इसे छोटे छोटे हमने देखिए चॉप कर लिया। ये प्याज है, एक प्याज है खड़ा, यहाँ 2 से 3 हरी चिली मिर्च है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम लाल पाउडर नहीं लिए, रेड चिली अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मसाला उस पर नहीं है तो इसमें मसाले ऑलरेडी पड़े होते हैं। देखिए कटोरी हम ले रहे हैं, ये पतंजलि का मसाला ओट्स है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर धनिया का पत्ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं देखिए एक पैन रख दिया है, उसमें हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, 1 स्पून से डाल रहे हैं, इसको गर्म हो जाने देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा 1 स्पून जीरा डालेंगे, जीरे के साथ हम हरी मिर्च डाल दे रहे हैं, इसी के साथ हम ये लहसुन भी डाल देंगे। ये सब हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लहसुन जीरा अदरक, तो इसको हम डाल के अच्छे से चला लेते हैं इस तरह से। देखिए ऑयल बहुत ही हल्का डाला हमने, क्योंकि हेल्दी में बनाना है मसाला ओट्स, तो एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इस तरह से बहुत ही हल्के ऑयल में यूज करके बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है मसाला ओट्स। तो ये देखिए इस तरह से हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, अच्छे से तेल में भून गया है। अब इसी के साथ हम ये प्याज भी डाल दे रहे हैं, तो प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने देते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। अब हम इसी के साथ इसमें टमाटर डाल देते हैं, देखिए टमाटर डाल दे रहे हैं से, टमाटर चला देंगे, और टमाटर के साथ ही हम अपना ये गाजर और एक कैबेज भी डाल देंगे। इन सब्जियों को हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें मसाला ओट्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसको चला के इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1/2 स्पून ले रहे हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट यूज करिएगा। तो 1/2 स्पून यहाँ पे हम सॉल्ट डाल रहे हैं, अगर आप इसमें गरम मसाला डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, हम इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मसाला वो इसमें ऑलरेडी ऐसे ही मसाले पड़े रहते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप और थोड़ा सा टेस्टी खाना चाहते हैं तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए इसको चला के ढक्कन से कवर करके सॉफ्ट होने तक इसको हम वेट करते हैं, तो 1 से 1.5 मिनट तक इसको बीच बीच में चलाएंगे इस तरह से कवर करके। चलिए देखते हैं 1 से 1.5 मिनट हो गया है, ये देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गया है, बीच बीच में इसको चलाते भी रहें, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, पक गया है हमारी सारी वेजिटेबल्स हमने जो डाले थे, देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें ओट्स डाल देंगे, देखिए हमने 1 बाउल लिया है ओट्स, ओट्स में ऑलरेडी मसाले पड़े रहते हैं, मसाला ओट्स इसका नाम ही है, क्योंकि इसमें मसाले में एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से इसको डाल के हल्का सा सब्जियों के साथ चला देंगे, फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 बाउल हमने वाटर ऐड कर दिया है, इस तरह से इसको डाल के चला देंगे अच्छे से। इसमें आप वेजिटेबल्स अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें मटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको चला दिया, और थोड़ा सा पानी हमने इसमें 1 बाउल डाला, इसमें 1/2 बाउल और पानी डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हम
हाफ बोल और ऐड कर दे रहे हैं, यानी 1.5 बोल हमने इसमें वाटर ऐड किया है। अब इसको डाल के इस तरह से चला देंगे और ढक्कन से कवर करके इसको आधे से एक मिनट तक इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे, क्योंकि ये ओट्स जो है पानी में मिलके इसको ये फूलेगा भी और सारी सब्जियों के साथ अच्छे से पक जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए या नाइट में इसको खाइए, तो इससे वेट लॉस बहुत ईजिली होता है और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जल्दी ये कम करता है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने चला दिया इसको अच्छे से, इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऊपर से डाल दे रहे हैं जिससे इसका भी टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। इसको हम इसको ढक्कन से कवर करके आंच को मीडियम पे करके हम आधे मिनट के लिए इसको उबाल आने देते हैं। चलिए देखते हैं, एक मिनट हो गया है, ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया है और हमारा ओट्स बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, पक गया। हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें हम आपको सर्व करके दिखा। देखिए हमने ओट्स को सर्व कर दिया है, देखिए कितना टेस्टी ओट्स बनके तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना मत भूलिएगा, उससे सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसके अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल ये रेसिपी है, इसे जरूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।